प्लांट लगेगा नहीं लगेगा इससे मेरे को कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी वही नुकसान होने वाला है जो यहां पर का एक डिसमिल का किसान का भी होने वाला है। इतने सारे सीमेंट प्लांट लगे हैं बलौदा बाजार क्षेत्र में जो नवयुवकों और किसानों के भावनाओं और परिवारों के ऊपर विपत्ति और मुसीबत आई है उसे कोई दुख दूर करने वाला मेरे जैसा सक्षम जनप्रतिनिधि भी आगे नहीं आया है। इसके लिए मुझे भी डूब मरने वाली बात है। मैं समस्त किसान भाइयों की ओर से लिखित में जो कि इसका रूल है 6 प्रतियों में सक्षम अधिकारी जो जन सुनवाई अधिकारी यहाँ बैठे हैं, पर्यावरण विभाग की एक पूज्य बहन मेरी बैठी है, सामान्य अधिकारी यहाँ बैठे हैं, विधिवत मुझे उसकी कॉपी मैं आप लोग से लेना भी चाहूंगा। अपनी बात ज्यादा ना बोलते हुए, आप सबका समय बहुत कीमती है क्योंकि इस कीमती वक्त का आप लोगों से अच्छा मिसाल संयंत्र प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं दिला सकता। 10 बजे इंडियन टाइम पे कार्यक्रम शुरू होना, 10 से 12 बजे के बीच पूरा एक एपिसोड खत्म कर देना और 12 बजे से 2 बजे के बीच यहाँ चीटी और चिरगुन के अलावा कोई यहाँ उपस्थित नहीं रहेगा। ये सारी व्यवस्था तामझाम ऐसी व्यवस्था से की गई है। आप लोग अपना घर परिवार का सुख चैन गिरवी रख के यहाँ अपनी बात मत रखना। जूते डंडे और लाठी पड़ने की संभावना है। शासन प्रशासन अधिकारी इस मुस्तैदी से आपके साथ यहाँ पे बर्ताव करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, यदि मैं गलत बोलता हूँ मेरे खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, मेरे खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यदि मेरे को आप हथकड़ी लगाने में कोई भी प्रशासनिक रुकावट पैदा करते हैं मुझे बता दें, मैं उस दायित्व से निवृत्त होकर आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी इस बात को देखकर बहुत चिंतित हैं और किरण पाटिल साहब भी एकदम आश्वस्त है। तेरे जैसे हजार भोंकने वाले आते हैं इस प्लांट के सामने, लक्ष्मी की थैली में मुंह लमाए बैठ जाते हैं। तेरे जैसे साथियों जिन जनता के दुख दर्द को सुनाने वाला तू ये व्यक्ति, पहले अपने कद और कद्र को देख और समझ कर अपनी बात रख और चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले जा। मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ। आप लोगों के समय कीमती है, मेरे से ज़्यादा बहुमूल्य स्पीच या अपनी जन सुनवाई में अपने माध्यम से बात रखना चाहते हैं। सिर्फ मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जो पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य और विधायक जी भी यहाँ बैठी, क्योंकि हम लोग उन्हीं के पार्टी के हैं, उनके साथ सहयोग करने वाले लोग हैं, उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र का चौमुखी का विकास हो। विकास की गंगा तो नहीं बहा सकते लेकिन विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास आपके नेतृत्व में हम सब करेंगे। इसी भावनाओं के साथ मैं आप सबको ये लिखित में जो शिकायत लाया हूँ दर्ज कराना चाहता हूँ और फिर से ये आग्रह कि मेरे द्वारा बताए गए रखे गए सुझाव का रिकॉर्डिंग प्रशासनिक अधिकारी मुझे उपलब्ध कराएंगे। ऐसी मंशा रखते हुए समस्त किसान भाइयों की ओर से मैं सेक्टर जन सुनवाई अधिकारी अल्ट्राटेक सीमेंट विस्तार ग्राम पिपराही 30/11/2012 आपत्ति दर्ज कर अनुमति रद्द करने का सुझाव लेकर आया हूँ। और इस प्लांट के कुछ काल गुजारी के कारनामे पिछले समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार आप पढ़ रहे होंगे। किसानों के साथ कैसा माहौल उड़ाया गया है, कलेक्टर साहब के निर्देश पर अपर कलेक्टर साहब बैठे, ऐसे उस कलेक्टर के भी निर्देश और आदेश को अवहेलना ये लोगों ने किया है, उसका भी सबूत और प्रमाण मैं इस जन सुनवाई में रख रहा हूँ। उसकी पावती मुझे दी जाए और उस पर अमल कराया जाए कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात का अध्ययन किया और निर्देश दिया कि कलेक्टर रोहित यादव साहब के 15 साल पुराने निर्देशों का पालन करने के उपरांत ही आपको अगला अपना कार्यक्रम करना है। ऐसे किसान भाइयों की दर्द पीड़ा का काफी भी मैं प्रादर्श 1, 2, 3, 4 में संलग्न कर मैं आपकी ओर प्रेषित कर रहा हूँ ताकि उसका निराकरण कर इस क्षेत्र की जनता के आंसू पोंछने में प्रशासनिक अधिकारी सहयोग प्रदान करें और सीमेंट संयंत्र को लगने दिया जाए या ना लगने दिया जाए इसमें अपने विचार ना रखते हुए सिर्फ किसानों के आंसू पोंछने का दर्द और मरहम लगाने के लिए आग्रह करने आप लोग के बीच आया। और 6 प्रति में मैं आपको ये आपत्ति दर्ज करा के पावती लेना चाहता हूँ, मुझे देने का कृपा करें। सबका समय कीमती है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको साधुवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं रामदेव जगत छिड़िया ग्राम सिंधरी सिंधरी रामदेव जगत छिड़िया
गंगा, मैं प्रशासन से कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसे तो हमारा आदिवासियों का शासन तो कुछ प्रतिबंध लगा है, यही फैक्ट्री पिछड़ा वर्ग के जमीन ले लेते और तुरंत पैसा देते है ना। ऐसे आदिवासियों पर का विधान रहे जगह बस शासन ले रहा है, आज 1,00,000 रुपये सोना छाबरी पैसा देते, काबर नहीं सोचे। पहली तो आदिवासी का लेखा पालन करवा, तब तक पिछड़ा वर्ग का करवा दे, नहीं तो 3 साल और पैसा देना तो गैस से देवे लिखित में भी समझ दे। कलेक्टर साहब और पूछा था, एक 4 ठन प्लांट है ना, ग्रासीम है, मोदी है, हिरमी है, सोना भी है ना, अया कभी नवा नवा लगी सवा कुकुर थी है ना, जगह लिखा पड़ी हुई थी। यही कलेक्टर साहब परमिशन दी थे, आज वहां के आदिवासी ना एक खाता में एक बार नौकरी और जब तक पौधा होकर मुआवजा दी थे, आज यही सी सीमेंट फैक्ट्री और केला जी रैली से तो ये हक्का भर नहीं दे परमिशन में कि आज आदिवासी ने थोड़ा नौकरी दिया जाए या अगर पेड़ पौधा जो मुआवजा दिया जाए। ये मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो हरण ये सुझाव ना सुनाए और ऐसे पर जो जवाब दे। अब मैं अभी नहीं कहा था, ये सब भाई जी प्रणाम करके कहा था है ना कि आदिवासी ने तुम बचा लो, पहले आदिवासी का जमीन लिखा पढ़ी करो और बाद तुम खुद अपन लिखा पढ़ी ना करो। आज ये मन आदिवासी ऐसे दर्द ठोकर खड़ा हुआ थे, ये आदिवासी रे मन बिल्कुल भुला दिन जेकर धरती में आज पलट है।